अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है उसमें हमारा जो नेटवर्किंग का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। नेटवर्किंग अवेलेबिलिटी, नेटवर्किंग परफॉर्मेंस, नेटवर्किंग सिक्योरिटी। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोरेज से स्टार्ट होगा। तो 199 पेज है इसका स्टोरेज। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने जो डाटा रखना है वो कहाँ पर रखना है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज। जी इसका पहले आता है इंट्रोडक्शन। हमें पता है कि एवरी डे अप्रॉक्सीमेटली 15 पीटाबाइट्स ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड वर्ल्ड वाइड। तो देखिए पीटाबाइट्स की बात हो रही है, तो रोज़ के रोज़ इतनी जो है इंफॉर्मेशन स्टोर होती है आपकी वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब वेब के ऊपर। एंड द टोटल अमाउंट ऑफ डिजिटल डाटा डबल्स अप्रॉक्सीमेटली एवरी 2 ईयर्स। और टोटल अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो डिजिटल की कितनी है, डबल है, अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर से डबल हो चुकी है। अबाउट 70% ऑफ दिस डाटा इज अनस्ट्रक्चर्ड। ऑफिस फाइल्स होगी, ऑडियो एंड वीडियो, ईमेल्स हो गई, एरर्स आर स्ट्रक्चर स्टोर्ड इन डाटाबेसिस। और जो भी फाइल्स हैं वो सब किधर स्टोर हो रही हैं, डाटाबेसिस के अंदर स्टोर होती हैं। तो ये जो स्टोर है, ऑल डाटा स्टोरेज सिस्टम दिस लाइक, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को देखा, डाटा सेंटर देख लिया, नेटवर्किंग देख लिया, स्टोरेज है, फिर उसके बाद कंप्यूटर, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर यूजर डिवाइसेस आएंगी। अर्ली कंप्यूटर यूज इन वेरी बेसिक परसिस्टेंट स्टोरेज सिस्टम, जैसे कि पंच कार्ड वगैरह थे, हमें पता है पंच कार्ड यूज़ होते थे, फिर स्विच ऑन, इंस्ट्रक्शन लोडेड होती थी, जो भी मेमोरी के अंदर स्टोर होती थी, फ्लॉपी डिस्किंग वगैरह होती थी, फिजिकल स्विचेस थे, इंस्ट्रक्शन इसी के अंदर लोड वगैरह हो जाती थी। तो कितना की वो हाई सिस्टम था, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर था। आज के दौर में कंपेयर किया तो वो ज़ीरो है, ठीक है। पांच कार्ड की आउटपुट जो थी वो कहाँ पे स्टोर होती थी, पेपर के ऊपर। और ड्रम मेमोरी सिस्टम यूज़ होते थे, मैग्नेटिक रीड राइट स्टोरेज सिस्टम था, तो वाइडली यूज़ हुआ 1950s से लेकर 1960s तक। फॉर मैनी कंप्यूटर्स इन दोज डेज दी ड्रम फॉर्म दी मेन वर्किंग मेमोरी ऑफ द मशीन। जैसे कि ये आपका ड्रम मेमोरी सिस्टम था, इस तरह इसके ऊपर स्टोरेज होती थी। तो हमें पता है ड्रम मेमोरी जो सिस्टम था वो लार्ज रोटेटिंग मेटल सिलेंडर के ऊपर जो है वो कंसिस्ट है, दैट वाज कोटेड ऑन द आउटसाइड विद मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल। तो इसके जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग है, मैग्नेटिक जो बना हुआ है उसके ऊपर रिकॉर्डिंग होती थी। मल्टीपल रोज ऑफ फिक्स रीड राइट हेड्स, तो ये देखें जी मल्टीपल रोज रीड राइट हेड्स हैं इसके ऊपर प्लेस हो रहे अलॉन्ग द ड्रम, ईच हैड रीडिंग और राइटिंग टू वन ट्रैक। तो जो ये एक ट्रैक को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये जो ड्रम के हेड्स हैं एक ट्रैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके ऊपर कितना के स्टोर होता था, 62 KB जस्ट। लेटर ऑन अगर हम देखा जाए तो फिर हार्ड डिस्क का कंसेप्ट आया, रोटेटिंग डिस्क प्लेटर सिस्टम आया, मैग्नेटिक जिसके ऊपर आपको पता है कि मूवेबल आर्म जैसे ये माउंटेड है, आपको मैग्नेटिक हार्ड डिस्क आप लोगों ने देखी ही हुई हैं। तो स्मॉलर थी किससे, ड्रम मेमोरी सिस्टम से, जिसका भी डाटा जो था वो डिस्क की फॉर्म में जो था स्टोर होता था। फिर उसके बाद आती हैं ये आपका 350 रैंडम एक्सेस मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव है। उसके बाद फर्स्ट कमर्शियल डिजिटल डिस्क स्टोरेज डिवाइस वाज पार्ट ऑफ IBM RAMX 350 सिस्टम, शिप्ड इन 1956। इट कुड स्टोर अप्रॉक्सीमेटली 5 MB ऑफ डाटा, वाज कंपोज्ड ऑफ 50-61 सेंटीमीटर डायमीटर डिस्क, एंड वेट इसका था ओवर अ टन। इन कंट्रास्ट, अगर इसके कंट्रास्ट देखा तो 1980 Seagate टेक्नोलॉजी क्रिएट हुई फर्स्ट हार्ड डिस्क ड्राइव डैट फिट इन आप PC, जो कि PC के अंदर फिट की जा सकती थी, आल्सो विद अ 5 MB कैपेसिटी। जैसे जैसे ईयर पास होते गए फिर उसको श्रिंक होता गया उसका साइज़, फिर डिस्क की कैपेसिटी इंक्रीज होती गई, मैग्नेटिक डिस्क इन डेंसिटी इंक्रीज होती गई, रोटेशन स्पीड इंक्रीज होती गई 3600 RPM रोटेशन पर मिनट, ठीक है 15,000 तक थी इसकी। तो सो ऑन, क्योंकि ये हिस्ट्री है, इंट्रोडक्शन है, देन ये देखें आपके सामने इस तरह मैग्नेटिक स्टोरेज आई। IBM 726 इंट्रोड्यूस करवाई थी इन्होंने 1952 में, मैग्नेटिक टेप का कॉन्सेप्ट था ये। इसके अंदर 2 MB पर 20 cm डायामीटर रील ऑफ टेप जो थी वो स्टोर हो सकती थी।
एनएनॉर्मस एट दैट टाइम, तब तो ये बड़ी चली थी मोस्टली, ज़्यादा जो था वो ये मेन फ्रेम्स के अंदर यूज़ हो रही थी, ये रील टेप। 1984 में डेक सिस्टम आया, इंट्रोड्यूस अ डिजिटल लाइन लीनियर टेप सिस्टम था ये, कैटरेज सिस्टम, सुपर डीएलटी, एसडीएलटी टेप कैटरेज दैट कैन स्टोर अप टू 300 GB ऑफ डाटा। तो यहाँ पे जीबी का कॉन्सेप्ट आया। एल टी ओ लीनियर टेप ओपन वॉज ओरिजिनली डिवेलप इन लेट 1990s। एल टी ओ जो कैटरेज सिस्टम था, इसके अंदर कैटरेज भरी जाती थी, तो उसके अंदर जो था डाटा जो था वो स्टोर होता था। तो एल टी ओ वर्जन 7 वॉज रिलीज इन 2015 डेट होल्ड अप टू 6 TB। ठीक है जी, अप TB के अंदर डाटा जो था वो इसके अंदर स्टोर होता था। लाइक दिस, ये है एल टी ओ टेप कैटरेज, इसके अंदर डाटा जो था वो स्टोर होता है। तो अब भी यूज़ होते हैं ये। टूडे दी ओनली अल्टरनेटिव टू आर एल टी ओ इज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस इज द ओरेकल स्टोरेज टेक T10,000 टेप डेट कैन स्टोर 8.5 TB। तो इतना इसके अंदर डाटा जो था ओरेकल सिस्टम के लिए था, डाटाबेस सिस्टम के लिए था, तो इतनी इसके अंदर स्टोरेज थी वो यूज़ हो रही थी। तो चूंकि ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक उस चीज़ के बारे में बताया है कि इसका जो डाटा है कितने स्टोरेज जो है, डाटा सेंटर्स की कैपेसिटी कहाँ पे, जो इतना सारा डाटा स्टोर हो रहा है। स्टोरेज बिल्डिंग ब्लॉक्स, सर्वर्स कैन यूज़ इंटरनल स्टोरेज ओनली। आपके जो सर्वर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्टोरेज यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल नहीं यूज़ करते, बट मोस्ट यूज़ एक्सटर्नल। ठीक है, अब ज़्यादा तो हमें पता है कि वो इंटरनल यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ है जो बहुत हाई पावर के हैं वो एक्सटर्नल स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, जिस जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो उसके साथ एक्सटर्नल स्टोरेज लगाई जा सकती है, समटाइम्स कंबाइंड विद इंटरनल स्टोरेज। समटाइम्स तो उसको एक्सटर्नल और इंटरनल को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है, तो इस वजह से उसको इंटरनल स्टोरेज ही कहते हैं। अ मॉडल ऑफ स्टोरेज बिल्डिंग ब्लॉक्स इन शोन इन फिगर, ये आपकी फिगर में दिखाया गया है। हर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो हर एक जो इसका सेक्शन है स्टार्ट हो रहा है लोअर बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो ये स्टोरेज मॉडल है, ये देखिए डिस्क है, ये टेप है, ये आपका वेब सर्वर है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज है जहाँ पे वो HTTP आपकी फाइल आप वेबसाइट सर्च करो वो स्टोरेज है। नैस सिस्टम है, सैन सिस्टम है, मतलब नेटवर्क अटैच स्टोरेज है, ये आपकी स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, ये आपका जो है डायरेक्ट अटैच स्टोरेज है। ठीक है, ये नैस है, ये सैन है, ये कंट्रोलर है जो सैस और साटा को कंट्रोल कर रहा है। फाइल स्टोरेज है, ये आपका ब्लॉक स्टोरेज है, ये भी आपका ब्लॉक स्टोरेज है। तो ये पूरा एक स्टोरेज मॉडल है कि कैसे जो है आपकी वेब सर्वर से लेकर डिस्क और टेप तक उसकी स्टोरेज हो रही है। ओके जी, यहाँ पे फिर पॉइंट इसका स्टार्ट हो रहे हैं। डिस्क, टू टाइप्स ऑफ डिस्क आर इन यूज टूडे, मैकेनिकल हार्ड डिस्क SSD। ठीक है, अब ये टू डिस्क जो है वो आजकल यूज हो रही। डिस्क आर कनेक्टेड टू डिस्क कंट्रोलर यूजिंग कमांड सेट बेस्ड ऑन आइदर एट ATA और SCSI। देन आते हैं कमांड सेट्स की तरफ। डिस्क कम्युनिकेट विद डिस्क कंट्रोलर्स यूजिंग अ प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन आइदर दी ATA और SCSI। कमांड सेट की जाती हैं, ATA यहाँ पे क्या है और SCSI क्या है वो आगे एलेबोरेट किए हुए हैं। ATA एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है, इसको हम IDE भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजिटल, जो हमारा डिजिटल इन्वायरमेंट सिस्टम होता है। यूज़ रिलेटिवली सिंपल हार्डवेयर और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, किस प्रोटोकॉल है, हार्डवेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, टू कनेक्ट करता है डिस्क टू कंप्यूटर, मोस्टली PCs के साथ हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी, फॉर मैनी ईयर्स ATA प्रोवाइड दी मोस्ट कॉमन एंड द लीस्ट एक्सपेंसिव डिस्क इंटरफेस, मतलब सिंपल था। और उसके बाद हम SCSI की बात करते हैं, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ये एक स्टैंडर्ड है, फिजिकल कनेक्टिंग एंड ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स। ठीक है, मोस्टली कंप्यूटर्स नहीं, मोस्टली सर्वर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ हम जो है वो मूवेबल कर सकते हैं, लाइक डिस्क होगी और टेप्स हो गई।
दी एस सी एस आई स्टैंडर्ड्स डिफाइन कमांड सेट फॉर स्पेसिफिक पेरिफेरल डिवाइसेस टाइप. उसके बाद आपकी आती है एस सी एस आई कमांड सेट इज कॉम्प्लेक्स, देयर आर अबाउट 60 डिफरेंट एस सी एस आई कमांड्स इन टोटल. तो इतनी इसके कमांड्स हैं. तो इसकी जो इंक्रीज की जा सकती है बैंडविड्थ स्टोरेज उसके अकॉर्डिंग. ओरिजिनली ये दोनों पैरेलल सिस्टम हैं, एस सी एस आई और ए टी एस स्टैंडर्ड्स एंड इन एफिशिएंट ऑप्शन. सीरियल इंटरफेसेस भी इसके ऊपर रिप्लेस किए जा सकते हैं, बट दी डिस कमांड आर स्टिल द सेम. कमांड आपकी सेम रहेगी. तो बेसिकली ये पैरेलल है, लेकिन हम इसको सीरियल के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं. तो सीरियल और पैरेलल तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है ना. पैरेलल सिस्टम में एक साथ हम रन कर देते हैं, सीरियल में वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसमें चलना होता है. देन है जी मैकेनिकल हार्ड डिस्क. मैकेनिकल हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ अ वैक्यूम सील्ड केसेस. ये आपको मैकेनिकल हार्ड डिस्क आप लोगों ने पहले भी देखी होगी, अपने आपके सिस्टम के अंदर देखी होंगी, नहीं तो वैसे भी रीड आउट किया हुआ है इसके बारे में. सील्ड केसेस विद वन और मोर स्पिनिंग स्पिनर होता है ना, ये देखिए घूमने जो उसके अंदर घूमता है. स्पिनिंग मैग्नेटिक डिस्क ऑन वन स्पिंडल एंड अ नंबर ऑफ रीड राइट हेड्स उसके ऊपर होते हैं जो कि मूव होते हैं. हर पार्ट जो है स्पिनिंग डिस्क का अवेलेबल होता है और वो यही काम करता है रीड और राइट का. पिक्चर्स 21 शो, ये आपकी जो पिक्चर है ये इसकी कवर मूव को शो कर रही है. तो टुडे जो हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो है मैकेनिकल स्पिनिंग डिस्क. टाइप्स आर मोस्ट कॉमन डिपिक्टेड बाय देयर यूज इंटरफेसेस. सीरियल एटीए, ठीक है जी, डिस्क जिसे हम साटा कहते हैं. सीरियल अटैच्ड सेस डिस्क, नियर लाइन सेस, एनएल सेस, ठीक है जी. तो ये सारी एब्रीवेशन अब कंप्लीट हो गई. वो जो आपकी डायग्राम के अंदर सारी एब्रीवेशन नज़र आ रही थी, तो ये उसकी स्टैंड्स फोर है सारे. सेटा डिस्क आर लो एंड हाई बैंड, हाई कैपेसिटी डिस्क है. तो ये लो एंड हाई कैपेसिटी डिस्क होती है. सेटा डिस्क आर आइडियल फॉर बल्क स्टोरेज एप्लीकेशन, मतलब ज़्यादा के लिए होता है और आर्काइव किया जा सकता है, इसमें बैकअप भी किया जा सकता है. एज दे हैव अ लो कॉस्ट पर गीगाबिट. गीगाबिट के लिए लो कॉस्ट है, लेकिन अगर उसे ज़्यादा लेंगे तो फिर वो हाई कॉस्ट होगा, ठीक है जी. सेटा डिस्क का यूज टू स्मार्ट कमांड्स एंड टू कंट्रोल द डिस्क, तो दिस इज़ अ लिमिटेड. सो गीगाबिट है जिसकी वजह से ये चीपर है, मिल जाती है. सेस डिस्क का रिलेटिवली एक्सपेंसिव है. हाई एंड डिस्क एंड स्पिनिंग डिस्क प्लेटर्स विद अ रोटेशनल स्पीड 10,000 और 15,000 रोटेशनल पर मिनट. तो ये बहुत फास्ट स्पीड के साथ काम करती है. 25% इसकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है सेटा से और एनएल सेस डिस्क से. तो बिकॉज हाई एंड डिस्क होती है तो दे हैव बेटर एरर करेक्शन कैपेबिलिटीज. सेटा की नस्बत जो है इसमें एरर करेक्शन जो है वो बेटर होता है. तो इसमें ऑटोमेटिकली अगर कोई गलती के चांसेस हो तो ऑटोमेटिकली उसका सेक्टर जो है उसको कवर कर लेते हैं और स्पेयर पार्ट्स जो लगे होते हैं ऑटोमेटिकली उधर जो है वो शेयर कर लेते हैं. तो इसी वजह से ये रिलायबल है. तो इसके लिए बेटा सिंपल कमांड्स नहीं यूज़ होती, इसके लिए स्मार्ट कमांड्स यूज़ होती हैं इंस्टेड ऑफ सेटा डिस्क में. तो सिंपल कमांड्स यूज़ होती हैं. एनएल सेस डिस्क जो है सेस इंटरफेसेस, बट द मैकेनिक्स ऑफ सेटा डिस्क है तो ये सेस इंटरफेस होती है, लेकिन इसके जो मैकेनिक्स हैं वो सेटा डिस्क जैसे होते हैं. बिकॉज एनएल सेस डिस्क यूज द सेस प्रोटोकॉल, दे कैन बी कम्बाइंड विद फास्टर सेस डिस्क इन वन स्टोरेज एरे. तो इसको हम वन स्टोरेज एरे में हम स्टोर करते हैं. दे आर यूज फॉर बल्क स्टोरेज एप्लीकेशंस एज दे कैन स्टोर मच डेटा, हैव अ लो कॉस्ट पर गीगाबिट्स एंड यूज मच लेस एनर्जी देन सेस डिस्क एज दे टिपिकली स्पिन जस्ट 7,200 रोटेशन पर मिनट. तो ये तो हो गई है इसकी इंटरफेस की बातें, आपकी डिफरेंट डिस्क सिस्टम है. आगे नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड स्टेट ड्राइवर SSDs. सॉलिड स्टेट ड्राइवर एक डिस्क ही है, क्योंकि जब है ही बात हम डिस्क सिस्टम की अभी कर रहे हैं. एंड डजेंट हैव मूविंग पार्ट एंड इज़ बेस्ड ऑन फ्लैश टेक्नोलॉजी, ठीक है जी. ये बेटा आपकी फ्लैश टेक्नोलॉजी के बेस है, ये कोई डजेंट रोटेशन डिस्क जैसा नहीं है. है डिस्क लेकिन मूविंग पार्ट नहीं है. फ्लैश टेक्नोलॉजी, फ्लैश टेक्नोलॉजी द सेमी कंडक्टर बेस्ड मेमरी, जैसे हम अपनी USB फ्लैशेस लगा लेते हैं, ठीक है. इट्स इन्फॉर्मेशन व्हेन पावर्ड ऑफ, तब तक वो रहेगी जब तक वो चलेगी, अदरवाइज पावर ऑफ हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिजर्व रहेगी.
SSDs आर कनेक्टेड यूजिंग अ स्टैंडर्ड SAS डिस्क इंटरफेसेस. तो इसका मेन एडवांटेज इसकी परफॉर्मेंस है, नो मूविंग पार्ट्स, नो सो डाटा कैन बी एक्सेस मच फास्टर देन यूजिंग मैकेनिकल डिस्क. ठीक है जी, माइक्रो सेकेंड वर्सेस मिली सेकेंड. सो इस तरह इस पर कंपेरिजन किया जा सकता है स्पीड के हिसाब से. मोस्ट स्टोरेज वेंडर्स नाउ ऑफर ऑल फ्लैश एरे स्टोरेज सिस्टम यूजिंग ओनली SSD डिस्क फॉर हाई डिमांडिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग. OLTP सिस्टम के लिए यूज़ होते हैं. दीज ऑल फ्लैश एरेज आर द प्रेफर्ड चॉइस टूडे बिकॉज ऑफ दी हाई परफॉर्मेंस. इसके हाई परफॉर्मेंस की वजह से इसको यूज़ किया जा सकता है OLTP सिस्टम के अंदर. तो ये लेस पावर कंज्यूम करती है, लेस हीट जनरेट करती है. इंस्टेंट जैसे कि मैकेनिकल डिस्क तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती है, पावर बहुत ज़्यादा यूज़ करती है. इसमें कोई मूविंग सिस्टम नहीं है, सिर्फ फ्लैश बैक सिस्टम है. तो इसको लाइफ टाइम के लिए क्या जा सकता है, शॉर्टन देयर लाइफ, हार्म देयर कंपोनेंट्स, और लाइक ये है नो मूविंग पार्ट्स, नो वाइब्रेशंस जो कि आपके हार्म हो सकते हैं, और शॉर्टन देयर लाइफ टाइम. इसका मेन डिसएडवांटेज अब सुन लें, अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. SSDs के जो नुकसान हैं वो क्या हैं, इन देयर प्राइस पर गीगाबीट विच इज़ कंसिडरेबली हायर देन मैकेनिकल. साफ सी बात है, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी मिल रही है तो उसकी प्राइस तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है. तो डिफरेंट वर्जन्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं इसके. यहाँ पे मेंशन फ्लैश टेक्नोलॉजी है, सिंगल लेवल सेल सिस्टम है और मल्टी लेवल सेल सिस्टम है. तो इसके आर्किटेक्चर की वजह से ही ये डाटा जो है इसके फ्लैश बैक सिस्टम के अंदर स्टोर होती है टेक्नोलॉजी सारी. जैसे कि आपकी रेड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, रेड जो है वो आगे सेक्शन जो है 3.1 के अंदर डिस्कस होगा. क्योंकि फ्लैश चिप में जैसे हम अपनी मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं ना, इस तरह इसके अंदर बिगर नंबर ऑफ फ्लैश चिप्स लगी होती हैं, तो ये मोर रिलायबल है. नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क कैपेसिटी क्राइडर्स लॉ. सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट डिस्क ड्राइवर्स फिजिकल डिस्क साइज श्रंक द डिस्क कैपेसिटी इंक्रीज एवरी डे. तो ये जो आपकी फिगर शो कर रही है ये एवरेज डिस्क कैपेसिटी है, जो भी लॉगरिथम इंक्रीज कर रहा है साइज को लास्ट 30 ईयर्स. मतलब वाई एक्सिस में लॉगरिथम है इंस्टेड ऑफ लीनियर. लीनियर में नहीं शो हो रहा, जो आपका वाई एक्सिस है वो आपके लॉगरिथम को शो कर रहा है. ये आपका टाइम बता रहा है और ये आपकी कैपेसिटी बता रही है कि यहाँ तक पहुँच गया है डेटा की कैपेसिटी. क्राइडर्स लास्ट स्टेट द डेंसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन हार्ड ड्राइव्स हैज़ बीन ग्रोइंग एट द रेट. तो ये क्राइडर्स ला क्या बताता है, आपकी डेंसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बताता है कि हार्ड ड्राइव्स की जो रेट है, ग्रोइंग रेट वो क्या है, और इसका इंक्रीजिंग फैक्टर कहाँ तक गया है, 1000 इन 10.5 ईयर्स, विच रफली कोरेस्पॉन्ड्स टू अ डबलिंग एवरी 13 मंथ्स. तो वो इतनी चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना, हर 13 मंथ्स में बढ़ता जा रहा है रफली. अगर देखा जाए तो स्पीड हमारी पीटा बाइट्स के अंदर चले गई है. व्हेन क्राइडर्स लॉ होल्ड्स ट्रू एन एवरेज सिंगल डिस्क ड्राइव इन 2025 विल होल्ड्स मोर देन 20,000 टेराबाइट, जो कि हमारा 20 पीटा बाइट्स ऑफ डाटा है. एट बाइट्स वर्सेस 8 GB. तो ये उस चीज़ को 8 GB कार्ड आपका जो होता है ना उसको रिप्रेजेंट किया है. तो अब आप खुद देख लो 8 बाइट्स कहाँ पे क्या था और 8 GB कितना डाटा है. तो अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स आपको सारी फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है कि इतना डाटा जो है मेमोरी कैरी करती है. हमारी जो USB फ्लैशेज हैं उसी से ही आप अंदाज़ा लगा लो कि वो आप 32 GB तक जो है वो चली गई है. बल्कि अब आपके मोबाइल में 128 इससे भी ज़्यादा जो है वो मेमोरी आ रही है. तो इतना कार्ड जो है वो आजकल भी थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं आम है. क्राइडर ला भी जो है जैसे हमें नेल्सन्स ला और मोरेज ला को देखा था वैसे ही है. लेकिन ये भी सिर्फ और सिर्फ आपको बताता है कि इतने अगर टाइम ड्यूरेशन में कितनी एक्सपेंशंस जो हैं वो युग टेक्नोलॉजी की एक्सीड कर गई है. तो टोटल लॉगरिथम की जो लेंथ है वो बता रहा है. तो ये जो आगे फर्दर टिप्स का कॉन्सेप्ट है हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा. तो फर्दर टिप्स की आगे कैटेगरीज आ रही हैं. तो अभी ये डिस्क की कैटेगरीज देखी थी हमने.
ठीक है, नेक्स्ट में हम टेप की कैटेगरीज को देखेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होप सो आप लोगों को कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसमें कोई है ही नहीं कन्फ्यूजन, थ्योरी है। तो थ्रू आउट रीड करें। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।